जाने से पाकिस्तान जाने से पहले 28 मई को मुझे जाना है और 25 जुलाई को मुझे वापस आना है। एक तो जो आप लोगों ने पैसे दिए थे सैलाब जदगान के लिए वो तकसीम कर रहे हैं, दूसरा अपना सालाना उर्स 18 तारीख जून को जो जो तशरीफ ले जाना चाहते हैं उसके लिए तैयारी पकड़ लें, और साथ जिन्होंने मुनाजरे का चैलेंज किया है मैंने अपने दोस्तों की टीम भेज दी है कि वो प्रेस लाहौर प्रेस क्लब में बैठ के तो उसका जवाबी कार्रवाई करें कि मेरी तरफ से ऐलान कर दें कि मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ पाकिस्तान आने पर आप मेरे साथ राबता कायम करें, जगह वक्त और शराइत ये तय करें, मैं तैयार हूँ। और जिस वक्त वो मुनाजरे का वक्त और जगह मुकर्रर होगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को मैं ज़रिया फोन इतला कर दूंगा कि फलां तारीख मुनाजरा है और फलां जगह है, तो फिर आप में से जो भी आदमी आना चाहेंगे वो तशरीफ लाएंगे, और अपने टीम के जितने भी उलमा हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारे वहाँ मौजूद होंगे, और मुल्क के अंदर जो हमारी संगत के लोग हैं कराची से पेशावर तक वो भी उस मुनाजरे में शामिल होंगे। तो अल्लाह को मंजूर, हमने तो किसी को चैलेंज किया नहीं, चैलेंज करने का मिजाज भी नहीं, लेकिन जो चैलेंज करे उसको छोड़ने की भी आदत है। आगे भी हमारे जितने मुनाजरे हुए मैंने चैलेंज नहीं किया, मुझे चैलेंज करते रहे, वो मैं काफी भागता रहा, साल साल दो दो साल इंतजार करता रहा, जब उन्होंने नाक में दम कर दिया तो फिर मैंने कहा 24 घंटे के अंदर करो, तो 24 घंटे के अंदर किया, लेकिन ये शाह साहब भी एक मुनाजरे के गवाह, मौलाना बेग साहब भी एक मुनाजरे के गवाह है, इन सब ने देखा है, पहले राउंड में मैंने गिरा लिया और फिर कई घंटों का मुनाजरा, फिर उठ नहीं सके, शोर इतना मचाया हुआ था कि जमीन और आसमान को मिला रहे थे। मैं माजरत चाहूं, मैंने कहा मैं उस नबी की औलाद में से जिसका आपने कलमा पढ़ा, मैंने कहा जाने दो ये असब नसब की वैसे नहीं है, मैंने कहा अच्छा दोबारा बंदोबस्त करते, फिर मरते मर गए चूं भी नहीं की, बड़े आराम से कब्र में तशरीफ ले गए जिससे अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह।